हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हेयर बनाकर दिखाऊंगा, वो भी सिंपल तरीके से, सिर्फ HB और 4B पेंसिल। सो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं ड्राइंग के लिए कार्टर शीट यूज़ कर रहा हूँ, और ग्रीन जिधर जिस साइड को ग्रेन्स होते हैं उस साइड को यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो शेडिंग होगी वो थोड़ा ब्लेंड ईजिली हो जाए। वैसे मैं आइवरी शीट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये 4B पेंसिल है स्टैडलर की, और ये HB पेंसिल है नॉर्मल। और HB पेंसिल की जगह आप ये मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं 0.5 की। और ये सिंपल इरेजर है, नॉन डस्ट इरेजर, सिंपल इरेजर है। स्केच कर लेता हूँ हेयर को, इसकी आउटलाइंस बना लेता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि आउटलाइन बनाते समय जिस तरीके से हेयर मुड़ा हुआ है उस तरीके से आपको कर्व्स बनाने हैं और स्ट्रोक्स देने हैं, ताकि आपको पता हो कि आपको किस तरीके से स्ट्रोक्स देने हैं और किधर को स्ट्रोक्स मारना है, कितना लंबा स्ट्रोक होगा, कितना कर्व होगा, ये सब पता होना चाहिए। मैं फर्स्ट टोन यूज़ कर रहा हूँ हेयर में। फर्स्ट टोन देने के बाद अब मैं थोड़े जो स्ट्रोक्स मैंने जो आउटलाइन बनाई थी उसी को मैं थोड़े डार्क कर रहा हूँ, और उसको और अच्छे स्ट्रोक्स के साथ फिनिस कर रहा हूँ। अब आपको इसी तरीके से पूरे हेयर को डार्क और लाइट, और जहाँ पे हाईलाइट देना है वहाँ पे आपको स्पेस देना है, और उस स्पेस को छोड़ते हुए जाना है, ताकि आपको इरेजर की बहुत कम इरेजर को आपको बहुत कम यूज़ करना पड़े। इसलिए मैं पहले से हाईलाइट छोड़ कर चल रहा हूँ और थोड़ा सा डार्क स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ। कहाँ पे डार्क यूज़ करना है, कहाँ पे लाइट यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है हेयर को देखते हुए। और जिस फ़ोटो को आप देख रहे हैं उस फ़ोटो में जिस तरीके से हेयर है उस तरीके से आपको कर्व घुमाना है, और आपको स्ट्रोक्स बहुत अच्छे रखने हैं, जिससे कि आपके जो लाइन्स है कॉन्फिडेंस लाइन पता चलनी चाहिए। कहीं पे भी आपका जो कर्व है इधर उधर लैग नहीं करना चाहिए, जिससे कि हेयर ख़राब दिखने लगेगा। सो आपके अपने हेयर को आउटलाइन को और अच्छा करने के लिए आपके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अब मैं जो स्ट्रोक्स मैंने दिए थे, फर्स्ट टोन दिया था, उसके बाद मैं अब थोड़ा फिनिश कर रहा हूँ, वो भी एक्स्ट्रा डार्क करते हुए। सिर्फ 4B पेंसिल से मैं एक्स्ट्रा डार्क कर रहा हूँ। कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैडलर की 4B पेंसिल यूज़ करें। मेरे पास यही एक 4B पेंसिल थी, इसलिए मुझे स्टैडलर का यूज़ करना पड़ा, नहीं तो मैं आपको सिंपल 4B से भी बना के दिखा सकता था। बट अब 4B से सिर्फ आप डार्क करते हुए और स्ट्रोक देते हुए आप पूरा हेयर बना लीजिए।
सो आपका ये हेयर रेडी हो गया। ये एक सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप रियलिस्टिक हेयर बना सकते हैं। गाइस आपको पसंद आया होगा सो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।